तो गाड़ी में बैठ चुके हैं, अभी बाय बाय का टाइम आया है। वो पूनम मेरे से वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ अपने ससुराल में। रात को बहुत लेट हो गए थे और इतना ज़्यादा थक गई थी मैं, इतना ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा डांस किया था, तो बस हिम्मत नहीं रही और बस सो गई। और अभी सुबह के 8 या 9 का टाइम है और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। लुक मेरा आज का कुछ ये रहेगा। ये वाला सूट मैंने बहुत प्यारा, मतलब मेरे को इसका स्टफ़ बहुत प्यारा, मतलब पूरा कॉटन में है ये। एंड ये मैंने इसके ऊपर अलग से मिलवाई है, सिलवाया नहीं मैंने ये। तो बताना आप लोग कैसा लग रहा है ये। नीचे इसके नीचे प्लाजो है, प्लाजो ही ये देखिए। एंड हील अभी मैंने डाली नहीं है, अभी बाथरूम स्लीपर ही है, वो मैं नीचे जाके डालूंगी। और हस्बैंड मेरे सो रहे हैं। हाँ जी, तो अब चलते हैं नीचे। चप्पल मेरे हाथ में है, नीचे जाकर डालूंगी। क्या कर रहे हो बिट्टू? कौन लेके आया ये आपका? गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो सुबह मैं नीचे आ गई थी, मैंने बताया था, उसके बाद नहीं दिखा पाई। सारे यहाँ पे कैमरा शाये हैं, ठीक है। मम्मी जहाँ मामा की शादी थी अभी वहीं पे हैं, तो यहाँ पे जो बड़ी मम्मी जी है वो है मेरे पास, उनको दिखाऊंगी। प्याज प्याज काट ली, ये बड़ी मम्मी जी है। और अभी हो गया खाने का टाइम, हम खा रहे हैं खाना। ये देखना कैमरे के सामने आते कैसे स्माइल कर रही थी, शर्मा जाते। ये मेरी बड़ी सासू माँ है, और जो वो वाली मतलब इनसे छूट भी है, दो सासू माँ मेरी। और फैमिली मैंने बताया था ना हमको बहुत बड़ी है, तो धीरे धीरे एक एक का नंबर लगेगा, सारे एक साथ नहीं आ सकते ना। अभी जैसे 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 आते आएंगे मैं आप लोगों को मिलवाते रहूँगी। स्पेशली उनको बोलो ना कैमरे के सामने आना, नहीं मेरे को मत लेना, मेरे को मत लेना। तो गाड़ी में बैठ चुके हैं, अभी बाय बाय का टाइम आया है। वो पूनम मेरी सिस्टर इन लो, उनकी बेटी, दादी माँ, मैं भाई, हर कोई सामने नहीं आता यार। और अब तो बस कुछ दिन बाद मेरे को दोबारा आना, फिर मैं दोबारा आप सबसे मिलवाऊंगी। बाय बोलो सबको, बाय गाइस बोलो, बाय बोलो। इसको चॉकलेट मिल गई ना, चॉकलेट और पैसा दो चीज मिल जाए इसको। बाय बोलो बाए। इसको आप सब लोग जान गए होंगे, टिया ये मेरे घर पे आई थी। इसको पैसे दे दो, ये पैसे बिल्कुल नहीं छोड़ती, फटाफट से पकड़ लेती है। और चॉकलेट दिए और पैसे दिए, बस फिर इसको कुछ नहीं चाहिए। एक रुपये और ले ले, एक सासू माँ आ गई। हाय बोल दे मम्मी, हाय। मम्मी की चुन्नी तो कितनी सारी है, कोई बात ना, अब अपनी वीडियो बना रही है, उठ लियो। अगली बार अच्छे से तैयार हो गए रहना सारे, अगली बार सारे आओगे वीडियो में, ठीक है? ओके ओके ओके। हम सबको टाटा बाय बाय बोल के निकल लिए थे, और अभी मेरी सिस्टर इन लोग का कॉल आया कि हम लोग बैग तो घर पे भूल आए, जो हम लेके आए थे जिसमें मेन सामान था। और ये ड्यूटी किसकी थी? ये इस इंसान की ड्यूटी थी। इसको आप जानते हो, ये मेरे देवर हैं। पहले एक व्लॉग में देखा आपने इनको, मिस्टर राकेश। तो आज ये बड़ा खुश है, और इसके चेहरे की हंसी देख के आप लोग समझ जाओगे कि किस चीज़ की खुशी है ये। इसका कल वो ब्याह देने आते हैं, तो इसके ससुराल से वो आएंगे कल, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा खुश हो रहा है। और अभी हमारे साथ ही जा रहा है, इसको हम लोग शॉपिंग करवाएंगे, आपको भी दिखाएंगे कैसे कपड़े लेता है ये। ये देखियो भाई, बिना हिमाचल में जाए हुए पहाड़ यहाँ देखने को मिलेगी। ये देखिए, वाह भाई वाह वाह वाह, खूब घुमाया आपने मुझे।
पे है तो उसके लिए कपड़े देख रहे हैं अभी, देखते हैं कैसे पसंद आएंगे कैसे नहीं पता नहीं, अभी फॉर्मल लेने की कह रहा है तो इसके लिए चूज़ करवा रहे हैं, तो बस इसको कपड़े चूज़ करवा के फिर हम लोग सीधा जो है यहाँ से निकल जाएंगे सीधा अपना गुड़गांव। और चप्पल मैंने वही डाली हुई है बाथरूम स्लीपर। सूट मेरा कुछ इस टाइप का है जो जब मैं पूरा नहीं दिखा पाई थी, और अगेन मैंने अपनी हील निकाल के अपना बाथरूम स्लीपर निकाल लिया क्योंकि अभी जाना ही है गुड़गांव। और ये दुपट्टा देखो कितना प्यारा लग रहा है। क्या हो रहा है? ये देखो सोफे पे बैठ के शॉपिंग कराई जाती है यहाँ पे। कल कितना डांस किया मैंने पता है, निकल लिए हैं और अभी बैठ जाएंगे गाड़ी में, कपड़े लेके आ रहे हैं। रुक जाओ, सूट पहन रखे हैं, सारा संगवाना पड़ता है। अब इसको हम ड्रॉप करेंगे, इसको जहाँ जाना है। देखा कितने जल्दी शॉपिंग करवा देते हैं हम दोनों मिलके। ये मतलब ये लेट करता है बट मैं बहुत जल्दी शॉपिंग करा देती हूँ। हाँ जी, तो निकल चुके हैं हम वहाँ से, स्कैनर दे देना। और अभी जो है हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं, और बस मतलब खाना खा के निकले थे बट फिर भी कुछ खाने का मन कर रहा है, तो देखते हैं अभी शायद कुछ फ्रूट लूँगी वो खाऊँगी। मतलब ऐसा मन कर रहा है कि कुछ या तो ऑरेंज मिले या ग्रेप्स कुछ इस टाइप का हो। और ये क्या आपने कल वाले कपड़े क्यों पहने? आपके पास कपड़े नहीं, और कपड़े नहीं आपके पास? और गर्म रहती है ना? नहीं मैं बताती हूँ क्योंकि कल रात को आने का प्रोग्राम था वापसी, एंड क्योंकि बहुत लेट हो गए थे और रात को आप लोगों को पता है फोग हो जाती है, रात को नहीं आ पाए हम लोग। तो ये मतलब शादी में आते टाइम के ये और जो शादी में पहने थे वो लेके आए थे, बाकी के लेके नहीं आए थे। और मेरे तो बहुत सारे सूट यहाँ पे रखे हुए हैं बट इनका कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब इनके सारे कपड़े वहीं पे हैं गुड़गांव ही, तो इसीलिए जो है इनको रिटर्न में फिर यही वाला डालना पड़ा। और वैसे भी इनके खासी जो काम हो रखा है, ये देखे भाई कितना अच्छा रोड आया ना अभी, मतलब पूरे ही यहाँ पे बाग के संतरे मिलते हैं। बाग के संतरे ही है? हाँ, यही बाग है। चलो तो फिर भाई आज हम बाग के संतरे ही खाने वाले हैं। अंकल से लेते हैं, वो बेचारे अकेले खड़े हैं। इसके पास बहुत ज्यादा कस्टमर है, कोई नहीं ले रहा, वो अकेले है तो हम उनसे लेंगे। We will give a chance to this old man. Okay. और हम पहुंच गए और अब हम इनसे लेने वाले हैं संतरे, और संतरे ले चुके हैं हम लोग संतरा, और अब ये नंगा होने वाला है ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जहाँ पे इन्होंने ये अपनी जो लगाई थी ना रेडी, इसके सामने इधर साइड कोई बता रहे हैं कि कोई इनका बाग है, तो ये वहाँ के हैं, तो देखते हैं ट्राई करते हैं। वो बोले कि एक भी खराब नहीं मिलेगा, और क्या बोलते हैं कि ना आप याद रखोगे इतना अच्छा है, तो अगर इसके ये अच्छे मिले ना तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी अपने ससुराल जाऊंगी तो पक्का मैं कम से कम 10-15 किलो में लेके जाऊंगी, या हो सकता पूरा कट्टा भी ले जाए, है ना अच्छे मिले तो, क्योंकि इतनी बिग फैमिली मिलेगी जब हम जाएंगे ना, तो वो 2-4 दिन में फिनिश हो जाएगी। तो अभी मैं पहले खा लेती हूँ। पहले हमने ऑरेंज खाया, बहुत अच्छा लगा। और अभी फाटक बंद थी शायद, पता नहीं आपको दिखेगी नहीं दिखेगी, दिखाते हूँ। ये देखिए ये फाटक बंद थी, अभी खड़े हुए थे, तो वो जो जब किसी ऐसी जगह पे खड़े हुए तो पापड़ वाले आते हैं ना, ये बचपन में बहुत खाए गए, तो हमने ये वाला भी ले लिया। और अच्छा है, पूरा कुरकुरा कुरकुरा, ऑरेंज भी बहुत अच्छे थे, मतलब एक होते ना बहुत ज़्यादा खट्टे वाले वैसे नहीं थे, अच्छा टेस्ट था। मज़ा आ गया। और ये देखियो कितना अच्छा व्यू है यार, ये देखो इधर इधर भी देखे, ये बड़ा सा पहाड़ बिना शिमला मनाली के मेरे को इन्होंने यहीं पे ही पहाड़ दिखा दिया, काफी अच्छा व्यू है रियलिटी में। ये भाई जो जो भाई बहन रेवाड़ी से हैं, तो आज हमारा रूट लगा है रेवाड़ी का, तो जो भी हमारा व्लॉग देखे रेवाड़ी से कमेंट करें। ये देखिए
रेवाड़ी बस स्टैंड। और अभी हमारे फेवरेट प्लेस पे शकरकंदी, अभी हम ये खाएंगे। और आज तो मुझे ये बड़े मेहरबान लग रहे हैं, सॉरी मेरी फेवरेट चीज़ खिला रहे हैं, पता नहीं कैसे, गुस्सा तो नहीं है, हैप्पी लग रहे हैं मुझे, है ना। तो बस अभी ये खाएंगे। रेवाड़ी क्रॉस कर लिया, रेवाड़ी क्रॉस कर चुके हैं और मेरे भाई के फ़ोन आ रहे बार बार, कितनी देर में आओगे, है ना, आ रहे हैं बस थोड़ी देर में। नींबू डाल दे यार, आधा तो डाल ही दे। और मैंने एक दो रील भी बनाई है जो कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिलेंगी, इंस्टाग्राम आईडी आपको पता ही है मेरी, जाके चेक कर लेना।